हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विनारो सिम्स किचन। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है विंटर स्पेशल केक, जिसे हम डेट्स, वॉलनट और जिंजर पाउडर से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या डालेंगे। इसमें मैं 1.5 कप मैदा डालूंगी, 1 कप हम दूध का लेंगे, 1.25 कप हम ऑयल लेंगे, रिफाइंड ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं, 1.25 कप ही हम चीनी का लेंगे। ये डेट्स हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और ये वॉलनट्स हैं इसे भी चॉप कर लिए हैं, क्योंकि ये सर्दियों में खाया जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें जिंजर पाउडर 2 टेबलस्पून डाला है। ये हनी है, ये 1 टेबलस्पून है, और ये बेकिंग पाउडर है जिसे लेवल करके मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच सॉल्ट, और ये 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हमने वॉलनट लिए हैं, ये मैंने तकरीबन 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे हम इसमें डाल देंगे। साथ में इतनी ही मैंने डेट्स ली है, सेम बराबर, आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर तो आपकी डेट्स सॉफ्ट वाली है फिर तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी डेट्स थोड़ी हार्ड वाली है तो उसमें 1/2 कप गर्म पानी डाल के 2 पिंच आप बेकिंग सोडा डाल के उसको 10 मिनट्स के लिए रख दें। अब इसमें हम मैदा मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। अब इन दोनों को मिक्स करके, ये सर्दियां हैं, विंटर्स हैं, तो थोड़ी सी ये जुड़ गई हैं आपस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप खुल जाएंगी केक में। थोड़ा सा हम इसमें मैदा डाल के इसको मैदे से कोट कर लेंगे ताकि ये केक में सिंक ना करें। थोड़ा सा और डाल देंगे, बस अब इसे एक साइड पर रख देते हैं। एक मिक्सिंग बोल ले लें बड़ा सा, इसमें हम डालेंगे ऑयल, इसी में हम शुगर मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ऑयल और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लें, ये अच्छे से एकदम मिक्स हो जाना चाहिए। आजकल विंटर्स हैं तो जल्दी होता भी नहीं ऐसा काम। अब ये अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब इसमें हम मैदा मिक्स करेंगे, ये 1 कप मैदा है, ये 1/2 कप है, 1.5 कप हमने इसमें यूज़ किया है। साथ ही में हम ये जिंजर पाउडर भी डाल देंगे, मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। इन सबको पहले से आप छान के रखें। ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ये 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, इसे बिल्कुल लेवल करके लेना है, सारा कुछ लेवल्ड होना चाहिए। हनी भी इसमें डाल देंगे हम। हनी का और जिंजर का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये केक सिर्फ विंटर में ही खाया जाता है। साथ ही में ये जो हमने कोट करके रखा था इसे भी हम डाल देंगे। अब धीरे धीरे हम इसमें दूध डालेंगे, ये 1 कप तो पूरा जाएगा ही जाएगा, इसके बाद हम मिक्स करने के बाद देख लेंगे अगर थोड़ा सा और हमें ऐड करना हुआ तो। अच्छे से इसे मिक्स कर लें, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बीट ना करें, आराम से करें बिल्कुल। ये बहुत ही टेस्टी केक लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डालेंगे।
डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अपने बेकिंग मोल्ड को पहले से ही ग्रीस करके रखें ताकि इसे ज़्यादा देर हमें रखना ना पड़े। साइड से सारा क्लीन कर लें। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, इसमें अब नमक मिक्स कर देते हैं। इस बैटर को हमने पतला नहीं बनाना, वो रनिंग सा नहीं बनाना बिल्कुल भी, जो ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होता है ना वैसा नहीं बनाना, इसको थोड़ा हमने थिक्की रखना है। मोल्ड को मैंने पहले ही ग्रीस करके रखा है बटर पेपर लगा के। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे से डस्ट कर लें। ये मेरा 8 इंची का मोल्ड है। चलिए अब इसमें हम डाल दें। इसमें मैं इतना ही डालूंगी, एक को मैं, ये जो थोड़ा सा है इसको मैं एक कप में बनाऊंगी। इस कप को हम हाफ फिल कर लेंगे, बाकी का सारा इसमें डाल देंगे। बच्चों को कप में केक खाना बहुत ही पसंद होता है। इसे थोड़ा टैप कर ले। मैंने अवन को पहले ही प्री हीट करके रखा है, तो चलिए मोल्ड को अवन में रख लें। इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे चॉप्ड वॉलनट के साथ। अवन हमारा बिल्कुल गर्म है, केक मोल्ड को हम इसमें रख देंगे। ये जो हमने कप रेडी किया था ये भी इसमें रख देंगे। 180 डिग्री पे इसे 30-35 मिनट तक हम बेक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 35 मिनट्स के बाद। चलिए अपना हम केक चेक कर लें। अब इसमें हम टूथपिक डाल के देखेंगे अगर ये क्लीन आती है। देखिए बिल्कुल क्लीन है। तो ये छोटा वाला मैंने पहले निकाल लिया था क्योंकि ये जल्दी हो गया था। देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल सा कलर आया हमारे केक का। इसे मैंने ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन किया है, ऊपर का हीटर ऑन किया था मैंने 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये क्रीम वाला केक नहीं है, ड्राई केक है, तो ये थोड़े से ब्राउन ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है केक की, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया। चलिए अब इसे हम डीमोल्ड कर लें। थोड़ा सा नाइफ से इसे साइड से कर लेंगे। बटर पेपर उतार देंगे आराम से। बस एक और प्लेट लेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा केक बन के रेडी हुआ है। चलिए इसे कट करके देखते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हमारा केक बन के रेडी हुआ है, एकदम सॉफ्ट है। चलिए इसे भी चेक कर लें। ये जो छोटा पीस हमने बनाया था देखिए कितना अच्छा बन के हमारा कपकेक भी रेडी हुआ है। ये देखिए अंदर से भी कितना अच्छा बना है। ये बहुत ही टेस्टी केक होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए एक बार इसे मैं ट्राई करके देखती हूँ। इसमें जो हमने वॉलनट डाला वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, उसका जो क्रंच है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आप भी विंटर्स में ज़रूर बनाएं, खाएं और खिलाएं और इसे एंजॉय करें। टी टाइम केक है, आप इसे चाय के साथ ज़रूर खाएं।